आज हम डिस्कस करेंगे PM660 जो पावर आईसी है, चाहे वो MI के फ़ोन में हो, वीवो के फ़ोन में हो, रियलमी के फ़ोन में हो या फिर किसी भी फ़ोन में हो, अगर PM660 आईसी उस फ़ोन में लगी है तो उस आईसी का क्या काम होता है और वो आईसी किन किन चीज़ों को कंट्रोल करती है उनके बारे में देखेंगे कि अगर आपके फ़ोन में कुछ प्रॉब्लम है तो आप कैसे उसे समझ सकते हैं कि प्रॉब्लम किस आईसी से आ रही है। अगर आप ये जानना चाहते हैं, इसमें आप जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो आप इस चैनल पर बने रहें, ऐसे ही आपको बहुत सारी आईसीयों के डिटेल्स अलग अलग वीडियो में दिया जाएगा। अभी आपके लिए जो आपका पॉइंट है, PM660 जो आईसी होती है उसके साथ जो दूसरी पावर आईसी लगी होती है, एक और पावर आईसी होती है जो फ़ोन में दो फ़ोन किसी एक फ़ोन में दो पावर आईसी होती है, किसी में एक पावर आईसी होती है, तो जिसमें दो पावर आईसी होती है उसमें जो PM660 है उसके साथ एक PM660L लगा होता है। तो हमारा नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो PM660L पर होगा और अभी का जो है वो PM660 पर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं जो PM660 है वो किन किन चीज़ों को कंट्रोल करता है। तो सबसे पहला आपका यहाँ पर USB इन करंट पाथ को कंट्रोल करता है, ये पल्स विथ मॉड्यूलेट करके चार्जर का स्विच मोड पावर सप्लाई SMPS और बैटरी को कंट्रोल करके VPS पावर बनाता है। तो इसको हम समझेंगे, जैसी वी बस इन यानी कि जो चार्जिंग की जो सप्लाई होती है 5 वोल्ट चार्जर से जो आती है वो वी बस लाइन होती है जो कि इसमें इस आईसी में PM660 में जाती है। USB की जो ID होती है वो भी इसी आईसी में, और USB का जो डेटा प्लस होता है और डेटा माइनस होता है उनको भी ये कंट्रोल करता है। जैसे कि USB में जो लाइंस होती हैं डेटा प्लस डेटा माइनस को, जिसके ज़रिए हम डेटा ट्रांसफरिंग का काम करते हैं, वो इस आईसी के अंदर कंट्रोल होती है, ठीक है। चार्जर का स्विच मोड पावर सप्लाई ये जो है इसी 5 वोल्ट को वी बस की जो 5 वोल्ट है उसको ये VPH लाइन में VPH पावर में कन्वर्ट करती है जो कि 3.7 वोल्ट होती है, 3.7 वोल्ट VPH पावर। और साथ ही साथ ये बैटरी से भी कनेक्ट है, कहने का मतलब है कि जब आप चार्जर नहीं लगाओगे तो बैटरी से भी VPS पावर बनता है, ठीक है। अगर चार्जर लगी हुई है तो चार्जिंग के केस में भी VPS पावर बनेगा और फ़ोन वाइब्रेट करके ऑन होगा, बैटरी लगा रहे या ना लगा रहे फ़ोन वाइब्रेट करके स्क्रीन पर लोगो आएगा MI का या Realme का बिना बैटरी के। जैसे बैटरी लगाएंगे तो बैटरी से भी VPS पावर बन सकता है, चार्जिंग निकाल दें तो। कहने का मतलब है कि बैटरी से भी ये कनेक्ट होता है VPS पावर और USB इन सप्लाई से भी कनेक्ट होता है। अभी VPS पावर का काम क्या होता है अभी आगे समझेंगे। इस पर VBAT की सप्लाई भी आती है, यानी कि जो बैटरी का सप्लाई होता है 4 वोल्ट वो भी इस पर आता है। बैटरी के अंदर कुछ ID होती है, क्योंकि उसमें भी एक इन्वर्टर सर्किट लगा होता है, तो उसकी जो ID होती है वो फ्यूल गेज IC में जाती है, जबकि ये PM660 में फ्यूल गेज बनाया गया है। याद रहे PM660 IC किसी भी फ़ोन में लगा रहे, दुनिया के किसी भी फ़ोन में उसी आईसी के अंदर फ्यूल गेज आईसी है। फ्यूल गेज का काम यह है कि बैटरी के इन्वर्टर सर्किट को की जो आईडी है उसको ये चेक करता है और उसको कंट्रोल करता है, और बैटरी के टेम्परेचर थर्मल लाइन को भी ये कंट्रोल करता है कि बैटरी का टेम्परेचर क्या है, बैटरी ज़्यादा हीट है या कम है। बैटरी के टेम्परेचर और आईडी को ये फ्यूल गेज कंट्रोल करता है। अब यहाँ पर देखेंगे XO यानी कि ये क्लॉक जो होता है 19 MHz का जो क्लॉक फ्रीक्वेंसी होगी वो इसमें इन भी होगी और यहाँ से आउट भी होगी। ये क्लॉक मिलना बहुत ज़रूरी है, ये क्लॉक सप्लाई नहीं मिलेगी तो फ़ोन का पावर ट्रिगर नहीं होगा। वाइब्रेटर अगर आपका काम नहीं करता है तो वाइब्रेटर की सप्लाई भी यहीं से आउट होती है, वाइब्रेटर को यहीं से PM660 से कंट्रोल किया जाता है। पावर की का जो सेक्शन होता है, पावर की का जो आपका मेन बटन है पावर ऑन ऑफ वाला, वो इसी आईसी के अंदर होता है, PM660 के अंदर होता है आपका पावर बटन, ठीक है। और क्या होता है चलिए देखते हैं। रिसेट एन यानी कि पावर डाउन बटन जो होता है वो आपका भी इसी आईसी के अंदर होती है। पावर बटन और वैल्यूम डाउन बटन इसी आईसी PM660 में होती है, जबकि वैल्यूम अप इस आईसी के अंदर नहीं होती है। ध्यान रहे वैल्यूम अप कहाँ होती है वो हम बताएंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो पावर का जो बटन है वो इस आईसी में होगा 660 में, ठीक है, और वैल्यूम डाउन होगा। अब इस साइड आते हैं, ये क्लॉक की जो सप्लाई, इसको जो क्लॉक रिसीव होगा वो क्लॉक इधर भी आउट करता है, वो RF
आईसी पे, यानी कि जो नेटवर्क की आईसी होती है और जो वाईफाई की आईसी होती है उन पर भी क्लॉक जाता है, इस आईसी से वो क्लॉक निकलती है। ये क्लॉक अगर नहीं निकलेगा तो सिस्टम पावर मैनेजमेंट इंटरफेस, सिस्टम पावर मैनेजमेंट इंटरफेस के जरिए वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल नहीं कर पाएगी ये आईसी, क्योंकि ये क्लॉक और ये वाईफाई का क्लॉक, ये दोनों क्लॉक एसडीआर 660 इस फ़ोन में लगा होता है जो डब्ल्यूटीआर की जगह यूज़ होता है, उसके लिए फ्रीक्वेंसी बनाती है और वाईफाई आईसी के लिए फ्रीक्वेंसी बनाती है क्लॉक की। ये वोल्टेज को एसडीआर के पास भेजता है और ये सिस्टम पावर मैनेजमेंट इंटरफेस बनाता है जिससे फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज दोनों कंट्रोल होती है। एक फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज दोनों कंट्रोल होती है एक इंटरफेस के ज़रिए। अब ये जो VPH पावर आपका यहाँ बना हुआ था, VPH पावर, ये VPH पावर आपका चार्जर से भी बनता है, USB इन से, और बैटरी से भी बनता है। ये VPH पावर फिर से इसी IC में इंटर करती है, ध्यान रहे, इसी IC से VPH पावर बनी और दोबारा इसी IC में इंटर कर गई, जिससे क्या होगा, ये VPH पावर छोटे छोटे वोल्टेज में टूट जाएगा, जिसको हम V-Rage बोलते हैं, V-Rage, VOB, V-Rage, S-2B। ये V-Rage S-2B और V-Rage BOB कहाँ से आता है वो हम देखेंगे, और VPH पावर तो वहीं इसी IC से आया है और इसी में इंटर कर गया, जबकि S-2B और BOB कहाँ से आता है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ये जो V-Rage सप्लाई है वो किसी दूसरे IC से आएगा, जिसकी जो दूसरा सेकेंडरी पावर IC लगा है वहाँ से आएगा, जिससे क्या होगा, ये तीनों सप्लाई बहुत सारे छोटे छोटे वोल्टेज में टूट जाएंगे। ये जो ऊपर के तीन सप्लाई हैं V-Rage, VPH पावर, ये दोनों तीनों V-Rage 0.87 वोल्ट, यानी कि ये CPU का वोल्टेज है, बक सप्लाई जिसको बोलते हैं, V-Rage 1.25 वोल्ट, V-Rage 1.8 WTR पे जाती है, V-Rage 1 वोल्ट WTR पे जाती है, 1.2 RF पे जाती है, V-Rage 2.7 2.85 AMMC IC को जाती है, और यहाँ पे V-Rage 3.3 LDO होता है, लो डीप आउटपुट। तो इसमें से बहुत सारे V-Rage छोटी छोटी सप्लाइयाँ निकल रही हैं, हम आगे डिस्कस करेंगे कि सारी छोटी छोटी सप्लाइयाँ जो हैं ये माइक के लिए भी जाती हैं, वो सारी सप्लाइयाँ कहाँ कहाँ किन किन कंपोनेंट्स पे जाती है फ़ोन में, वो आने वाले वीडियोस में हम ये सब देखेंगे कि V-Rage कौन सी सप्लाई V-Rage की जो है वो किस कंपोनेंट पे जाती है, कैमरे पे जाती है, टच पे जाती है, वाइब्रेटर पे जाती है, माइक पे जाती है, कहाँ जाती है, वो सब देखेंगे। अभी आपको यहाँ दिख रहा है VPH पावर और V-Rage S2B और V-Rage BOB सप्लाई, ये तीनों सप्लाई जब इसमें एंटर करती है तो ये ढेर सारी छोटी छोटी सप्लाइयाँ बननी शुरू होती हैं, जिससे हमारा पूरा फ़ोन वर्किंग मोड में आता है। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया, अगर आप ऐसे ही वीडियो चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलता रहेगा। अभी मेरा जो नेक्स्ट पॉइंट होगा, नेक्स्ट पार्ट जो होगा, उसमें PM660L के बारे में बात होगा, PM660L IC जो है, जो इसी के साथ लगी होती है, वो क्या करती है, उसमें कौन कौन से फंक्शन होते हैं। अब सपोज़ कर लीजिए आपके फ़ोन में वाइब्रेटर काम नहीं कर रहा है तो आप कहाँ रिपेयर करेंगे, आप PM660L पे नहीं जाएंगे, PM660 की तरफ रिपेयर करेंगे, उसके सर्किट को चेक करेंगे वाइब्रेटर वाली। सपोज़ कर लीजिए आपका फ़ोन चार्ज नहीं हो रहा है, जैसे MI Note 6 Pro है जिसमें ये IC लगी हुई है, वो आपका फ़ोन चार्ज नहीं हो रहा है, तो आप किस में काम करेंगे, USB इन हो रही है, करंट यहाँ पे करंट पाथ है ना, इधर आप रिपेयर करेंगे, देखेंगे कि इनके जो ट्रैक लाइन है उनमें कोई कंपोनेंट शॉर्ट होगा, ख़राब होगा, यहाँ या फिर यहाँ तक वोल्टेज ही नहीं आ रहा होगा, तो वो सब आप चेक करते हुए आएंगे। अगर यहाँ तक वोल्टेज आ रहा है फिर भी आपका बैटरी कंट्रोल नहीं हो रहा है, VPH पावर नहीं निकल रहा है, अभी बैट पे 4 वोल्ट नहीं आ रहा है, तो आपका ये IC ख़राब है, समझ में आया। ऐसे ही आप देख सकते हैं पावर बटन आपका अगर ख़राब हो गया, ट्रैक लाइन गायब है, तो आपको इस IC के जो ट्रैक लाइन है उनसे आप डाउन बटन और पावर बटन को बना सकते हैं। अगर आपके WTR पर वोल्टेज नहीं आ रहा है 1.8 वोल्ट 1 वोल्ट, तो भी आप इस IC को रिवॉल्व कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी नहीं बन रही है तो भी आप इसे रिवॉल्व कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया, थैंक यू।